मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे, कोई कमेंट भेज रहे होंगे पता नहीं। हरे कृष्णा टू एवरीवन। सुन लीजिए, तो इस क्वेश्चन को मैं कैसा करूं अभी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्या है, मुझे कुछ दिख नहीं रहे कमेंट्स, मैं क्या बताऊं अभी। अरे लॉन 100 की वैल्यू क्या होगा, मैं विजय को अंक बंद करके मैं बताता हूँ, 4.6 होगा। कैसा रे, लॉन 10 पावर स्क्वायर है, लॉन 10 का वैल्यू 2.303 पता है ना। ये भी देख, इतना से भी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो आप लोग, इतना आलसी बन गया। अरे कैसा होगा, ठीक है, ट्राई टू बिकम सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, डोंट ट्राई टू बिकम द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम, समझे, कम टू द सॉल्यूशन साइड, देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है कि नहीं? चलो बढ़िया है ना। चलो तो देखो क्या बोला उन्होंने, कैपेसिटर कैपेसिटेंस चार्ज्ड है, ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, बस इतना ही चीज है और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये दिया है 12 वोल्ट, ये दिया है 2 ओम का, और ये कितना का दिया है, 100 माइक्रो फेराइड का। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अभी मैं थोड़ा दौड़ूंगा। अभी मुझे सबसे पहले क्या पूछा, टाइम कांस्टेंट पूछा, इस सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या होगा हमें पता है, इस सर्किट के बारे में अच्छे से, इस सर्किट को हम लोग अच्छे से देख चुके। आर सी होगा टाइम कांस्टेंट, 2 × 100 माइक्रो फेराइड है तो 200 माइक्रो सेकंड होगा ना, माइक्रो सेकंड होगा, ठीक है। अरे यूनिट्स थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, कोई बात नहीं, अलग बातें हैं अभी, तो ये थोड़ी बोर्ड है। चलो, फाइंड टाइम टेकन बिफोर 99% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज इज स्टोर्ड ऑन द 99% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज इज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। मतलब क्या है, मतलब अभी पहले मुझे पता है इनिशियली जीरो है, अभी ये जीरो से पर्टिकुलर वैल्यू बनना है, कितना है ये 0.99 Q0, समझे, जीरो से 0.99 Q0 इतना तक बनने के लिए, इतना चार्ज आने के लिए कितना टाइम लगेगा पूछ रहे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक चीज पता है, Q = Q0 × 1 - e power t by tau, राइट। तो Q0, ये क्यू कितना होना चाहिए, 0.99 Q0 बोल दिया, Q0 इधर दे दिया, ओहो Q0 कैंसिल हो गया। अब ये बचा क्या है, देखो ध्यान से, मैं इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, कुछ भी करूंगा आंसर आएगा, कुछ तो आएगा, है कि नहीं। अभी मैं क्या करूंगा, देखो ये क्या है, 10⁻², है ना, या नहीं तो इसको ऐसा लिखो, ऐसे कैसे लिखोगे, 1/100 लिखो, अच्छा रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ इस तरफ। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ दिमाग में नहीं आ रहे, तो मैं दोनों तरफ लॉन अप्लाई करता हूँ, इतना मैं धीरे चलूँ या नहीं चलूँ, कोई बात नहीं, पहले इतना ये आएगा, कितना आएगा देखो, -ln 100 आएगा, और ये कितना आएगा, -t/tau, अरे लॉन ऑफ ए पावर एम क्या आएगा, एम लॉन ए आएगा, सही है, अरे एम पावर जो है वो बाहर आ जाएगा, सही है, अरे सही है, कितना मेथड से, ठीक है। चलो अभी जैसे मैं इसको किया, ऐसे बाहर आ गया, तो इधर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए, क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो टाइम टाउ पता है मुझे, टाउ पता है, हाँ पता है टाउ, ठीक है, लॉन हंड्रेड, अभी लॉन हंड्रेड लॉन है ये, लॉग नहीं, ठीक है, इंटू टाउ, ठीक है, टाउ कुछ तो है मुझे पता है, इसको कैसे निकालूंगा, मुझे पता है लॉन 10 का वैल्यू कितना है, 2.303, अभी लॉन 10 स्क्वायर बोलूंगा तो ये 2 बाहर आएगा, तो ये इंटू आएगा, तो ये 4.6 है, तो इधर क्या है, 4.6 इंटू टाउ का वैल्यू कितना आया था, टाउ का वैल्यू कितना आया था, 200 माइक्रो, समझे, क्यों करोगे तो कुछ आएगा, कितना आया, 0.00092 सेकंड्स,
समझे? कितना लोगों को समझ में नहीं आया कमेंट करना, नॉट। मैं आगे बढ़ता हूं। कल हम लोग चार्ज का इक्वेशन देख चुके, उसके नीचे लिखी है, उसके नीचे लिखी। आई एम सॉरी अभिषेक जगाटे, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अभी मैं पीछे देखूंगा नहीं, ठीक है? शेर अभी आगे चल रहे, पीछे वापस बिल्कुल देखेगा नहीं, ठीक है? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हमें I इज इक्वल टू I नॉट इंटू ई पावर माइनस टाउ। ये इक्वेशन आया कि नहीं कल? ये इक्वेशन किए थे ना हम लोग इसी सर्क्यूट के लिए। कौन सा सर्क्यूट? ये EMF, ये C है, ये R है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम करूंगा तो मैं इस इक्वेशन को, कौन से इक्वेशन को? इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा। अरे आएगा कि नहीं, याद है तो कमेंट करना, याद करके सभी लोग जल्दी। ठीक है, अभी क्या बोल रहे? अरे बताओ भाई, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस टाइम के साथ वेरी होता है या सेम रहता है? अरे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है क्या? नहीं रहता है, वेरी होता है। क्यों वेरी होता है सर? क्योंकि बेटा आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आई इंटू आर है, और इसमें आपको पता है बेटा आई वेरी हो रहा है टाइम के साथ। देखो आई वेरी हो रहा है, तो पुट कर लेना कौन सी बड़ी बात है। वी आर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आई इंटू आर है, तो आई का इक्वेशन सीधा इधर पुट कर दो, कहानी खत्म हो गया, है ना? आई का सीधा इक्वेशन इधर पुट करोगे तो क्या हो गया? कहानी पूरा खत्म हो गया। अच्छा समझ में आया, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वो भी वेरी होता है टाइम के साथ। अच्छा तो व्हाट अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, कौन सी बड़ी बात है? मुझे पता है वी सी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, और हमें पता है Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू वन माइनस टी पावर वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी या टाउ जो भी है, ठीक है नहीं? हाँ Q बाई सी है, तो अभी एक वन बाई सी इधर रखता हूँ, इसको मैं इधर पुट करूंगा तो Q नॉट बाई सी वन माइनस ई पावर टी बाई टाउ होगा। अरे सही है, यही तो इक्वेशन है उसका, यही तो इक्वेशन है। अरे बताओ मुझे, वॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, सब लोग मुझे भेजिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या है? क्या है? बस एक बंदा भेजा, जंगल में लड़का। हाँ चलो क्यों हो रहे? अरे कुछ सही है, सही है कि नहीं? Obviously Q not by C है। इस equation से मुझे पता चलता है कि ये जो expression है this increases with time, ये जो expression है this decreases with time। कहीं पे भी आप देखो n is equal to n not into e power minus lambda t में ये expression क्या बताता है? Time के साथ number of molecules decrease होते हैं, disintegration है, याद हो रहे? हाँ उसी तरह इधर भी, पर ये दिस इज इंक्रीजिंग विद टाइम, इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है? ओके चलो दौड़ो। ओके नेक्स्ट क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कुछ नहीं है, कोई भी बता सकता है। देखो एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, अलग अलग टाइम में अलग अलग कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, आई मीन टू से चार्ज अलग अलग है। तो मुझे एक चीज पता है Q स्क्वायर बाई टू सी करके, सही है, या हाफ सी वी स्क्वायर कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ अब चाहिए तो आप हाफ सी वी स्क्वायर ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाफ सी वी स्क्वायर। ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, अक्रॉस दिस कैपेसिटर, और वो तो वेरी हो रहे, देखो सामने वेरी हो रहे कि नहीं? हाँ वेरी हो रहे, तो कैसा उसको पुट करना सीधा इधर, इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज आल्सो वेरिंग विद टाइम। देखो सीधा इसको पुट करने का और कुछ करने का नहीं, समझे? वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ का स्क्वायर, ठीक है? और ये सी कैंसिल है तो क्या हो गया? Q
क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी। देखो अभी जो तुमसे फेमिलियर है वो ही एक्सप्रेशन इधर आ गई, देखो क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी। ये कब की आए, ये कब आएगा, एट ए टाइम टी इज इक्वल टू इनफिनिटी या टाइम एट टी इज इक्वल टू जीरो, बताओ ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड कब होता है, टी इज इक्वल टू जीरो पे या इन्फिनिटी पे, आफ्टर लॉन्ग टाइम और इनिशियली, जल्दी भेजना। ये कौन है जीरो करके भेजा, अरे कौन है जीरो करके भेजा ये, हाँ हीट प्रोड्यूस्ड इन रेसिस्टेंस, अच्छा ये जीरो का ना, ऐसे इन्फिनिटी है क्या वो सिंबल, ओके ओके ठीक है यार। अरे बताओ अभी हीट प्रोड्यूस्ड मुझे चाहिए, हीट कहाँ प्रोड्यूस होता है, रेसिस्टेंस में होता है राइट, रेसिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होता है, हम वो कितना है वो हमें अच्छा से पता है कि वो होता है आई स्क्वेयर आर, ये पावर है, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रेसिस्टर। खूब देखिए इसके ऊपर हम लोग सवाल, अभी मैं बोलता हूँ नहीं मुझे चाहिए एनर्जी रिलीज्ड, तो मुझे एक चीज पता है एनर्जी रिलीज्ड क्या बोलते हैं, क्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी टी। अरे कुछ नहीं यार, पी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है ना, रेट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट टाइम है कि नहीं, उसी तरह अभी मुझे चाहिए डी क्यू तो मैं क्या लिखूंगा, पी इंटू डी टी, अरे वही लिखा इधर डी क्यू चाहिए तो लिख लो कोई बात नहीं। और मैं क्या करूंगा अभी इसका, इस तरफ इंटीग्रेशन, इस तरफ इंटीग्रेशन, बताओ बेटा जीरो से पांच सेकंड में कितना टाइम, मतलब कितना एनर्जी डिसिपेट हुआ, तो आप लिख के क्या लिखोगे, जीरो से टाइम टी, टी इज इक्वल टू फाइव सही है, और इधर क्या एनर्जी, कितना एनर्जी रिलीज होगा वो इधर आ जाएगा आपको सही है यस। और ये पी क्या है, अक्रॉस द रेजिस्टर क्या पावर डिसिपेट होता है, अक्रॉस द रेजिस्टर क्या डिसिपेट होता है, आई स्क्वेयर आर डी टी, और ये जीरो से टी क्यू, दिस इज द हीट डिसिपेटेड या हीट एनर्जी रिलीज्ड अक्रॉस द रेजिस्टर, समझ में आ रहे क्या इधर तक मैं जो किया, बताओ समझ में आया तो गो, जल्दी कमेंट करना, नहीं आया तो कमेंट करना आर करके, बाद में देखूंगा। मैं चाहता हूं टोटल हीट एनर्जी रिलीज्ड चाहिए मुझे, अरे को बहुत कम लोग कमेंट गए, कमेंट किया, सो रहे हो क्या, मैं रुक के अभी मैं क्या बताऊं, अभी रुक जाऊं के इधर धीरे से पढ़ाऊं क्या, नहीं इतना कम क्यों कमेंट से, मुझे चाहिए टोटल हीट प्रोड्यूस्ड। अरे बताओ बेटा कब तक करंट फ्लो होता है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू इंफिनिटी तक करंट फ्लो होता ही रहता है, भले छोटा करंट या बड़ा करंट जो भी है, पर करंट तो फ्लो होता है टाइम इज इक्वल टू इंफिनिटी तक, फिर टाइम इंफिनिटी पे मतलब इंफिनाइट टाइम पे करंट जीरो हो जाएगा, मतलब मुझे टोटल हीट प्रोड्यूस्ड कब से कब तक लगाना पड़ेगा देखना, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड मुझे जीरो से इनफिनाइट तक मुझे डालना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा, क्या बात समझ में आया, और देखना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना कितना एनर्जी डिसिपेट हुआ, कितना एनर्जी डिसिपेट होगा देखना, अभी मैं बताऊंगा, मुझे पता है वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी क्या होगा, वर्क डन बाई बैटरी विद इन, टोटल वर्क डन ले लो ठीक है, टोटल वर्क डन बाई द बैटरी क्या होता है, बैटरी अपने थ्रू कितना चार्ज को सप्लाई किया, क्यू नॉट सही है, पहले छोटा से क्यू है फिर बड़ा क्यू हो गया, मतलब फाइनली कितना चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, तो मैं बोलता हूँ बैटरी अपने अक्रॉस क्यू नॉट इंटू वी, जो ई एम एफ है ऑफकोर्स ई एम एफ ई, सही है हाँ सही है, फिर ये क्यू नॉट क्या है, नथिंग बट सी ई इंटू ई, तो वर्क डन बाय बैटरी यही तो है, याद है आप लोगों को, याद है तो याद करके कमेंट करना, चुप मत बैठना, याद है ये, हाँ वर्क डन बाय द बैटरी इन सप्लाइंग द चार्ज ऑफ दिस मच, अगर आपको याद है मैं उस टाइम में भी बताया था, ये अचानक से नहीं आता है, धीरे से थोड़ा टाइम लेके आता है करके, ओके ओके गुड। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल वर्क डन, सॉरी मुझे चाहिए टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, मुझे और एक चीज पता है, अभी एट इन टाइम टी इज इक्वल टू इंफिनिटी तक इसके ऊपर पूरा एनर्जी स्टोर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड रूप में, हम लोग जो
आज बोर्ड का क्लास में पढ़े थे ये चीज, है कि नहीं? हाँ, तो एनर्जी कितना स्टोर हुआ है कैपेसिटर के अंदर? एनर्जी स्टोर हुआ है हाफ सी ई स्क्वेयर, हाफ सी ई स्क्वेयर, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस वही हुआ उसके अक्रॉस ईएमएफ। अभी अभी सुनना, अगर इतना एनर्जी इधर स्टोर हुआ है, इधर इतना काम किया है, तो बचा हुआ एनर्जी कहाँ गया? हीट रिलीज्ड रूप में भाग गया। क्या बात समझ में आया? अरे इतना काम किया, ये कौन सा बड़ा है, ये इतना काम किया, उसमें से आधा एनर्जी रूप में स्टोर हुआ और आधा हीट रूप में, हीट रूप में डिसिपेट हो गया। बताओ अभी कोई पूछेगा व्हाट इज द एफिशिएंसी, कोई पूछेगा, मान लो पूछा नहीं कभी, पूछेगा तो बताओ, आप बताओ चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में व्हाट इज द एफिशिएंसी इन दिस सिंपल सर्क्यूट ऑफ आरसी सर्क्यूट, एफिशिएंसी कितना परसेंट है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बात करेंगे तो। ऑफ कोर्स तो ये रेजिस्टेंस की स्टोरी है। अरे ये मैं बोला एनर्जी स्टोर हुआ कैपेसिटर के अंदर, बचा हुआ कितना है? C e square minus C e square by 2 क्या होगा? C e square by 2 होगा, जो कि डिसिपेट हुआ रेसिस्टर के अक्रॉस। जो भी एनर्जी डिसिपेट होता है हीट रिलीज्ड बोर्ड जो है ना, उससे तुमको यही समझना है वो रेसिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेट होता है आरसी सर्क्यूट्स में। समझे? क्लियर हुआ? अरे कमेंट करना। चलो अब लिख लेना, अभी मैं इसको मैं मिटा दिया, लिख लेना आप लोग, ठीक है? अपना वर्ड्स में लिख लीजिए, ठीक है? बस आपको ये दिखना चाहिए वर्ड में बैटरी और हीट रिलीज्ड फ्रॉम द रेसिस्टर। इधर तक समझ में आया सब लोगों को? ओके, अभी हम बात करेंगे और एक नया चीज। अभी देखोगे बैटरी है, रेसिस्टर है और क्या है? कैपेसिटर है कि नहीं? इसका ईएमएफ ई है, इसके अक्रॉस वीसी है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वीआर है। आप कभी भी देखो, चाहिए तो बताओ एट ए टाइम टी इज इक्वल टू जीरो वीसी क्या होगा? टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे वीसी क्या होगा? कमेंट करना जल्दी जल्दी कमेंट करना, ये क्या होगा बताना पहले। आप कर सकते हो हर्षल, टाइम लगेगा इसमें, ठीक है? उसको आप कर सकते हो, कहा गया ये। VC at time t is equal to 0, VC क्या होगा? 0 होगा। अरे time t is equal to 0 पे कुछ चार्ज नहीं है तो VC 0, at time t is equal to infinity पूरा चार्ज आ गया Q0 by C, और Q0 by C को हम लोग दूसरे रूप में क्या बोल सकते हैं? EMF बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं? Q0 by C को E भी बोल सकते हैं। कोई बात नहीं रे, आप लोग कवर कर रहे हो शायद। सुन लीजिए ध्यान से, अभी मैं बोलता हूँ वी आर का क्या हाल है। इनिशियली आई इंटू आर है, इनिशियली आई नॉट इंटू है ना, आर करंट क्या है ना, आर के थ्रू करंट क्या है? आई नॉट है, और ये आई नॉट क्या है? ई बाई आर है, इंटू आर है, तो वी आर कितना हुआ? ई हुआ। मतलब वी आर को मैं क्या बोलता हूँ? इनिशियली ई है, और ये फाइनली क्या होगा? करंट तो जीरो हो गया सर्क्यूट में, तो वी आर इज इक्वल टू जीरो हुआ है। इस तरह अगर मुझे नजर आया तो मैं सीधा बोल सकता हूँ, अगर किरचॉफ्स लगा भी लगाए, किरचॉफ्स लूप ला भी अगर लगाए, तो मुझे एक चीज पता चलता है हमेशा के लिए, वी सी प्लस वी आर इज इक्वल टू ई एम एफ ई। क्लियर है ये बात? ये आपको नोटेड होना है, बस समझ में आया? लिख लो 1 2 3 4 5। अभी नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन विथ टाइम ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ चार्ज? अरे चार्ज का क्या हाल है? मुझे पता है चार्ज का इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर टी बाई आर सी। देखो टाइम के साथ ये बढ़ रहा है, बढ़ रहे तो हम ऐसे देंगे इसको, ठीक है? बस ये याद रखना, ये ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये ऐसा है, कैसा है? ये ऐसा है, समझे? हाँ, ये धीरे धीरे से स्लो हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। धीरे धीरे से स्लोप क्या होता है?
अरे धीरे धीरे से स्लोप ऐसा हो जाएगा, क्यों होता है? अरे मुझे पता है ना सर, इतना भी तो मैं गधा नहीं हूँ। डी क्यू बाई डी टी क्या है? करंट है, और मुझे पता है फाइनली करंट तो धीरे धीरे घट जाके जीरो होगा, तो इसलिए ऐसा होगा ना सर। समझ में आया? कमेंट करना यू समझ में आया तो, ऐसा क्यों करके जल्दी कमेंट करना यार, टाइम वेस्ट मत करना आप लोग। ये हो गया एक ग्राफ, और दूसरा ग्राफ क्या बोलेंगे अभी? दूसरा ग्राफ आएगा करंट का। करंट का क्या हाल है? करंट तो टाइम के साथ रिड्यूस होता है, -T/RC, सही है? करंट डिक्रीज करता है तो मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा जाएगा। अरे कैसे जाएगा? ऐसा जाएगा। अरे मैथ्स वालों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ऑफ दी, मतलब दिस इज द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है? पर बायोलॉजी वाले ध्यान से देखना, बस रिड्यूस होता है, रिड्यूस होता है तो ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है? हाँ ऐसा ही है, रिड्यूस होता है, ऐसा तो अलग अलग बात है, वो बढ़ रहे वो, ठीक है? क्लियर है? ओके चलो नेक्स्ट, थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ किसका है? वी आर। अरे वी आर का क्या हाल है बताओ एक बार? अरे वी आर का क्या हाल है बता दो? वी आर है, टाइम है, क्या रहेगा? कुछ नहीं, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, और आई का जो ग्राफ है बस उसका ही वैसा ही रहेगा। ये भी करंट डिक्रीज होता है, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाद में जाने दो। ये वी आर इज प्रोपोर्शनल टू आई है, तो जो ग्राफ आई के लिए आया है वही ग्राफ इसके लिए भी आएगा, देख लो ध्यान से। पर बस एक डिफरेंस है, इधर जो वैल्यू है वो बदलेगा, क्योंकि इधर करंट है, इधर वी आर है। अरे समझ में आया या नहीं आया? किसी को नहीं आया तो कमेंट करना, नॉट करके मुझे दौड़ना है। वी आर टी, ये ऑफ कोर्स ये वैल्यू वी आर नहीं है, ये वैल्यू और कुछ रहता है, आपको पता है वो चीज। वी आर क्या रहता है? ई रहता है। ये क्या रहता है? ई बाई आर रहता है। ये क्या रहेगा? आपको पता है सब, ठीक है? नेक्स्ट, सिमिलर डायग्राम में बता दूं जल्दी, क्यू सी या वी सी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर की बात करें, उसका क्या हाल है? उसका बताओ क्या होगा? सिंपली ये ऐसा होगा, होगा कि नहीं? कुछ नहीं यार, वी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई सी है, या नहीं तो क्यू बाई सी है। जो क्यू, क्यू के साथ क्या हाल है? क्यू तो बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो वी सी भी बढ़ेगा, क्योंकि वी सी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू है, कैपेसिटेंस तो कॉन्स्टेंट है, इसलिए। समझ में आ गया? इधर तक, अरे इतना कम लोग यार, बंद कर देता हूँ मैं। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहे या नहीं, कम से कम समेंट कमेंट करो, मुझे ये पता चलेगा आप लोग है कि नहीं क्लास में। बंद कर देता हूँ, जल्दी कमेंट करना आप लोग। हाँ कमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हाँ अरे क्या हो गया आज? थर्ड ग्राफ क्या डाउट है? ये बी आर है, बी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर है, जो कैसे लिखते हो इसको? अरे कुछ नहीं, ये जो आई का इक्वेशन है वही बी आर का इक्वेशन है, ठीक है? समझ में आ गया होगा सब लोगों को। कल मैं स्टडी स्टेट के बारे में बताया था, स्टडी स्टेट कब की बात है? टी इज इक्वल टू जीरो पे या टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे? सब लोग कमेंट करना, सब लोग लिख के कमेंट करना, स्टडी स्टेट इज इक्वल, स्टडी स्टेट मतलब टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी का बात है, या नहीं तो ऐसे लिखना, हम कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर लिखना, मुझे लिख के भेजना, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर ऐसे लिख के मुझे भेजना, ठीक है? स्टडी स्टेट फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर, या नहीं तो आफ्टर लॉन्ग टाइम भी बोल सकते हो। यस इस पे चल रहे, 40 मिनट वाला, आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ आफ्टर लॉन्ग टाइम, देखो टी इज इक्वल इन्फिनिटी या आफ्टर लॉन्ग टाइम या फुल्ली कंप्लीटली चार्ज्ड, फुल्ली चार्ज्ड या कंप्लीटली चार्ज्ड, सभी का मतलब यही है स्टडी स्टेट। कभी कभी क्वेश्चंस में मेंशन भी नहीं करता है वो स्टडी स्टेट करके, कुछ मेंशन नहीं किया टाइम के बारे में, मान के चलो स्टडी स्टेट करके, कुछ मेंशन नहीं किया टाइम के बारे में तो मान के चलो स्टडी स्टेट करके। समझ में आया?
जैसा आपको मन लगता है, जो आपको याद नहीं रहता है वो मुझे कमेंट कर सकते हो, इसमें फ्रीडम देता हूँ कमेंट करने के लिए। देखो कितना फ्रीडम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, बाकी लोग तो कमेंट करने नहीं देते, आई मीन टू से कोई नहीं करते, इसमें मजाक में बोल रहा हूँ। क्लियर हो गया, चलो अभी करते क्वेश्चन को। फटाक से इस क्वेश्चन को लिखना और मुझे आंसर भेजना सब लोग। फाइंड करंट थ्रू रेसिस्टर्स इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज, इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द स्विच लिख लेना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, क्वेश्चन ये है, जल्दी कमेंट करना आप लोग आंसर को। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अरे ये क्या है? ठीक है कोई बात नहीं, इसको ई ले लो, ये ई ले लो, ठीक है। हाँ कमेंट करना सभी लोग। करंट्स निकालना है रेसिस्टर्स के थ्रू, ठीक है। कितना रेसिस्टर्स है? R, 3R, 6R, तीन रेसिस्टर्स है आपके पास, ठीक है। फाइंड करंट थ्रू द रेसिस्टर्स, क्या होगा इसका हाल? देखो क्या, कुछ नहीं है, तो बहुत सिंपल है। इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मैं धीरे से बोलता हूँ, है ना, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ ना, मुझे पता है, थोड़ा स्पीड और बढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, बाकी लोगों को दिक्कत हो रही है इसलिए इतना स्लो में चल रहा हूँ मैं अभी। इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्या हो रहा है? जैसा मैं स्विच क्लोज कर देता हूं, स्विच क्लोज कर दिया तो उस टाइम में क्या हाल है? ये तो अनचार्ज्ड है इनिशियली, तो ये कैसा बिहेव करता है? ये तो ऐसा बिहेव करता है, सही है। ये फाइव, ये थ्री आर है, सिक्स आर है, आर है, ठीक है। ये सिक्स आर है, दिखने रहे क्या? सिक्स आर, समझे? हाँ, अब ये इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू जीरो कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? देखो मैं टी इक्वल जीरो लिख देता हूं, अभी चाहिए तो। ओ हो हो, ओ हो हो, ये है थ्री आर, ये है सिक्स आर, इसके आर है। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, अब कोई माइकल हेल्प कर सकता है इस क्वेश्चन को, एनी वन कैन डू दिस क्वेश्चन। इसमें थ्रू आई जाएगा, इसके थ्रू आई वन जाएगा, इसके थ्रू आई टू जाएगा, सही है। सबसे पहले बात है आई आर इक्विवेलेंट क्या है इसमें, इन दोनों का है 2R और ये R है, तो बनेगा R प्लस 2R। अदिति काटे करे, समझ में आया क्या? मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 3R है ये, समझे? फिर मुझे चाहिए I, चाहिए I क्या होगा? E बाई 3R होगा। अदिति काटे करे, गुड, ओके। और कौन है? निकिता पावर क्लास में है या बर्थडे पार्टी करने गई? मुझे चाहिए आई वन, चाहिए तो आई वन कैसे निकालता हूं मैं? देखो करंट इधर तक आया है, फिर डिवाइड हो रहा है, किन दोनों के लिए? एक सिक्स आर के लिए और एक थ्री आर के लिए। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस सिक्स आर है, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस थ्री आर है, हैं? हाँ, अभी मैं आई वन चाहिए तो मैं क्या लेता हूँ, थ्री आर बाई थ्री, सिक्स आर प्लस थ्री आर इंटू आई। याद है आपको करंट डिवाइडर रूल, बहुत कर चुके हम, आई बाई थ्री आएगा सीधा। अच्छा निकिता पावर नहीं है क्लास में, ठीक है। ये आएगा ई बाई नाइन आर आई वन, अरे आई बाई टू, अभी आई टू क्या हाल है इसका, क्या हाल है देखो ध्यान से, टू बाई थ्री मतलब टू बाई नाइन ई बाई आर आ जाएगा सिंपली, सेम जैसा इधर किया वैसा ही। आई टू इज इक्वल टू सिक्स आर बाई नाइन आर इंटू आई, तो ये आएगा आपको इस तरह तुम। अरे मीटिंग विल एंड, इतना जल्दी मीटिंग खत्म हो जाएगा? अरे ऐसा तो बहुत दिक्कत है। आई वन आई टू आई थ्री, आई मीन सॉरी सॉरी सॉरी, आई आई वन आई टू सभी निकल गया तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। किस, अरे मीटिंग बंद हो गया तो फिर आ जाना, आप लोग थोड़ी बच्चे हैं, ठीक है। फोन फोन करके फिर आपको बुलाना होता है, ऐसे नहीं होता है ना आपके साथ, ठीक है। ये केंद्रीय विद्यालय बच्चों को 40 मिनट का क्लास होता है उनका,
के भी बच्चों को, ठीक है जो भी है बाद में बात करते हैं उसके बारे में। बी, बी का क्या हाल है देख लेना अभी एक बार। अरे नहीं जरूरत नहीं, अपना आप बनने जाएगा, मैं ध्यान देता हूँ, चिंता मत करना। सुनो ध्यान से अभी, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्या हाल है, सर्क्यूट टी इक्वल इंफिनिटी पे सर्क्यूट कैसे बिहेव करेगा। इधर तो ओपन हो गया, अरे क्या बात समझ में आ रहे है सानिका काले। आर है, थ्री आर है, ये सिक्स आर है, पर कुछ काम के लिए नहीं है। क्या अच्छा है रे, इसमें क्या अच्छा है, टाइम जाता है। सुनो ध्यान से, अभी करंट कैसा जाएगा, करंट ऐसा आएगा आई, और वही करंट इसमें जाएगा। अभी रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंस क्या हुआ, अभी आर इक्विवेलेंस क्या हुआ देखो ध्यान से, सानिका काले नहीं एक क्लास में, आर इक्विवेलेंस क्या है, फोर आर है। क्यों क्यों सर, अरे ये तो टूट पड़ा है, ये तो दूसरी तरफ हो गया, ये एंड से, ये है ओपन, समझ में आ रहे या नहीं आ रहे सर, ये ओपन ओपन है तो इसके तरह इसके थ्रू करंट जा ही नहीं रहे। हमें पता है आर इक्विवेलेंस उसी के लिए निकालते जिसके थ्रू करंट जा रहे है ना, वही रेजिस्टेंस को, वही रेजिस्टेंसेस को हम लोग कंसिडर करते। तो करंट इस रास्ता में जा रहे, इस रास्ता में आर थ्री आर दोनों सीरीज में है तो फोर आर है, समझे। अभी तक कमेंट नहीं किया, समझ में आ रहे या नहीं, यस आर नो, इतना क्यों, बताओ बताओ, यस सर ऐसा अच्छा है सर। लास्ट वाला बताओ ना, लास्ट वाला कौन सा है, ये तो इतना आसान है, करंट डिवाइडर रूल है, उसमें क्या डाउट है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात है। देखो ध्यान से, ये तो काम नहीं करेगा है, ये R प्लस थ्री आर है, फोर आर है, इसके थ्रू करंट जाता ही नहीं, ये तो गया क्योंकि ये ओपन हो गया ना, एक करंट जाने नहीं देगा अपना ब्रांच में, करंट जाने नहीं देगा तो ये एलिमिनेट हो गया गेम से, समझे। हाँ नेक्स्ट, अभी ये अभी क्या हाल है, समझा ना, ठीक है वेरी गुड। अभी मुझे क्या चाहिए, आई चाहिए, करंट चाहिए मुझे, करंट क्या है सारे देखो, ई बाई फोर आर आई निकल गया, बस कहानी खत्म। इसके थ्रू भी वही करंट है, इसके थ्रू भी वही करंट है, है कि नहीं, अरे आई वन, आई वन कैसा है रे, ऑफ कोर्स पैरेलल लेना, लेक्चर तो तीन दो बजे चालू हुआ, फिर ये पांच मिनट बंद हो जाएगा अभी, हाँ रिकॉर्ड तो डाल देता हूँ। क्लियर है सब लोगों को, चलो आगे बढ़ते। कैपेसिटेंस क्यों निकाला, क्योंकि मैं आपको बोला था इधर, क्या बोला था, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर कैसा काम करता है, सिंगल वायर जैसा काम करता है, कहा बताया था आपको मैं, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर सिंगल वायर जैसा काम करता है, होते हुए भी कुछ काम के लिए नहीं, जैसे वायर से जोड़ देते। अरे क्या पीछे क्या, अरे यार देखो हर्षद इसको डाउट है, इसमें डाउट है कि तुमको, इधर से करंट आई आता है, इसमें आई टू जाता है, इसमें आई वन जाता है, हाँ तो इस ये तो बच्चा है, अभी हम लोग ऊपर उठ के, ये तो हम लोग बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं अभी, हाँ आई वन क्या होता है, आई इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, अभी ये सब मैं सिखाते बैठू इधर, ये कैसा आता है सर पता नहीं, क्या हो गया ललित, ललित को क्या हो गया, अरे बता देना बाद में, बाद में बता देना मुझे। चलो मुझे और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देना है, देखो ध्यान से, टाइम जा रहे, ए रेसिस्टेंस विथ ए रेसिस्टर विथ रेसिस्टेंस टेन मेगा ओम्स इज कनेक्टेड, अभी मैं ये बीएम शर्मा का सॉलिड एग्जांपल है, थोड़ा से लेवल बड़ा है, ज्यादा है थोड़ा लेवल, डरना मत,
बहुत आसान है यार, कौन बोला ये? व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? ये तो हर कोई निकाल सकते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, हाँ इस तरह का क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समझे? कुछ है ही नहीं इसमें, ये पक्का नीट लेवल पे या मेंस में आ सकता है, ऑफ कोर्स इस यही लेवल है, ठीक है? आप ही बोले कहाँ लिखा है और भी। समझा नहीं यार, समझा नहीं, जाने दो, रिमाइंड से टाइम वेस्ट हो जाएगा अभी। ये है क्वेश्चन है, रेजिस्टर विद रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। अरे क्या है, एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर, एक बैटरी है, वो ही हुआ फिर से आरसी सर्क्यूट, है कि नहीं? टाइम कांस्टेंट क्या है, कौन सी बड़ी बात है? टी आर इंटू सी, आर इंटू सी, कौन नहीं निकाल सकता इसको बताओ? क्या हुआ? आर इंटू सी, आर कितना है? 10 मेगा, मतलब क्या है? 10^6 है, तो टोटल कितना आएगा? 10^7 ओम्स है ये, मेगा मतलब 10^6 है, 10 × 10^6, 10^7 है। इंटू सी का वैल्यू कितना है? 1 माइक्रो है, मतलब 10^-6 फैराड है ना? मैं अभी तो क्या आएगा? 10 सेकंड आएगा, ठीक है? 10 सेकंड आएगा टाइम कांस्टेंट। क्लियर हो गया? टाइम कांस्टेंट निकाल दिए, हो गया फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। अरे अरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। अरे सुनो ध्यान से, अभी बिल्कुल ध्यान से देखिए, मुझे चाहिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फाइनल चार्ज इज ऑन द प्लेट्स एट टी इज इक्वल टू 46 सेकंड। ये कितना है? दिख नहीं रहे ना? टी इज इक्वल टू 46 सेकंड्स, ठीक है? सेम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल करंट रिमाइंस एट टी इज इक्वल टू 46 सेकंड्स। बस इन दोनों मुझे निकाल के बताना है। कैसे नहीं बताऊं अभी? देखो मुझे एक चीज पता है, फ्रैक्शन ऑफ फाइनल चार्ज का मतलब एट दिस इंस्टेंट कुछ तो टाइम चार्ज रहेगा, वो मैं क्यू ले लेता हूँ। लेट क्यू बी द चार्ज एट टाइम टी, ओके? अभी फाइनल चार्ज का फ्रैक्शन बोल रहे, मतलब क्यू बाई क्यू नॉट। हमें पता है फाइनली क्या चार्ज रहता है, क्यू नॉट रहता है फाइनली, क्यू नॉट रहता है फाइनली, और ये क्यू इनिशियली, है कि नहीं? बस आपको ये फ्रैक्शन निकालने बोल रहे, क्यू बाई क्यू नॉट बोल रहे यार, कौन सी बड़ी बात है? हमें पता है क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 - t बाई टाउ, है ना? ये टाउ पता तो हो गया, क्यू अभी क्या है? क्यू बाई क्यू नॉट पूछ रहे, फ्रैक्शन ऑफ फाइनल चार्ज। यू हैव टू गेट एक्वाइंटेड विद दिस टर्मिनोलॉजी, उसी के लिए एक सवाल उठाया मैं, इसमें कुछ है ही नहीं, पर आपको यू हैव टू बिकम फेमिलियर विद दिस टर्मिनोलॉजी। तो ये आएगा कितना आएगा? 1 - t^-t बाई टाउ का वैल्यू 10 है, ठीक है? अभी टाउन सा टाउन, कौन सा टाइम है ये? 46 सेकंड्स पे अब उठ जाएगा। अभी देखो 46/10 ये कैसे नहीं करेंगे अभी, ये क्या करेंगे? 1 - e^-4.6। हाँ समझ में आया ना? बस इधर तक छोड़ देना काफी है, बस इतना तक काफी है। वो वैल्यू देंगे आपको 4.6 e^-4.6 का वैल्यू आपको देंगे, ठीक है? अभी नहीं तो नया नया याद आ जाएगी। देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल करंट रिमाइंस एट टी इज इक्वल टू